पंजाब में 16 लोग हैं, हम 72 घंटे से फंसे हुए थिरोड में, किलोंग के आगे जगह है थिरोड, वहां पर दोनों साइड के ब्रिज टूट गए हैं और हमारे साथ लेडीज, छोटे बच्चे, 6-7 महीने का छोटा बच्चा है और सीनियर सिटीजन भी हैं। किसी के पास में भी थायराइड, बीपी, अस्थमा, जिसके भी मरीज है, कोई भी मेडिसिन नहीं हमारे पास में। छोटे बच्चे के कपड़े हम कैरी नहीं कर रहे, उसको लूज मोशंस लगे हुए हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वैक्सीनेशन वगैरह सब ड्यू है उसकी। हम लोग बहुत प्रॉब्लम में है। यहाँ पर लोकल लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, खाना वगैरह हमें दे रहे हैं, एक शेल्टर भी प्रोवाइड हो गया है, पर वो बेयर मिनिमम नेसेसिटी है। वो सिर्फ ऐसा हो रहा है कि हम एक जोड़ी कपड़े में जो आए थे बस उसी में रह रहे हैं, 3 दिन से इन्फेक्शन हो गई हैं हमको, लेडीज को भी हो गई हैं। बेसिक मतलब मंथली साइकिल सबके चल रहे हैं, कोई फैसिलिटी हम लोगों को अवेलेबल नहीं है। छोटा बच्चे के रैशेज हुए हुए हैं, उसके कपड़े हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमें दो टाइम का खाना मिल रहा है। और हम मतलब बच्चा परेशान है, हम लोग बहुत दिन से फंसे रहे हैं। हम गवर्नमेंट से ना ये अपील करते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से इवैक्यूएट कर लो, क्योंकि हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हम 7 दिन के में पुल बनेगा, मतलब पैसेंजर पुल बन जाएगा, 1 महीने में व्हीकल ड्राइव हो पाएगी, और लेकिन वो ना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है अभी के लिए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कुछ भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। आप देखो ऐसे मतलब ट्रैवलिंग गए हम लोग, वहां पे वो थे टूरिस्ट थे, हम उन कपड़ों में आए हुए हैं। हमको 3 दिन हो गए, 3 दिन से हम सुन रहे हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, पैदल चलने के लिए हो जाएगा, 3 दिन से कुछ नहीं हुआ है। सड़क बनने में कम से कम 7-8 दिन लगेंगे, बीआरओ वाले भी बोल रहे हैं 7-8 दिन तो कहीं नहीं जाएगा। हर जगह न्यूज अवेलेबल है, हो गए हम पे न्यूज चैनल्स पे, सब में न्यूज फॉरवर्ड हो रही है, लेकिन कुछ उसका सोल्यूशन अभी तक हमें नहीं प्रोवाइड किया गया है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप हमें प्लीज एयरलिफ्ट कराइए, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है। हम ऐसे नहीं रह सकते कि हमें सिर्फ खाना मिल रहा है तो हम खुश हो जाए उस चीज में कि चलो खाना तो मिल रहा है, वो कोई सोल्यूशन नहीं। आप प्लीज हमें एयरलिफ्ट कराइए। 8 किलोमीटर दूर हम पैदल आते हैं एक बार सुबह, ताकि हम सबको कॉन्टेक्ट कर सकें कि हम लोग जिंदा हैं, हम लोग मरे नहीं है, हमें राशन पानी मिल रहा है, अपने रिलेटिव को अपनी जॉब वाले में इन्फॉर्म कर रहे हैं। और एक बार शाम को हम फोन करना आते हैं, वो भी टूटा फूटा नेटवर्क मिलता है, क्योंकि सारे यहाँ पे नेटवर्क के ऑपरेटर्स कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। हमने सब जगह कंप्लेन डाली, सब बोल रहे हैं आप संयम रखिए, आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, पर ऑलरेडी 3 दिन से हम यही सुन रहे हैं। अब आप क्या सोल्यूशन, एयरलिफ्ट ही करा सकते हैं आप? सीएम हेल्पलाइन, डिजास्टर मैनेजमेंट पे और जो हमारे लोकल कनेक्शन है, एसडीएम ऑफिस, अथॉरिटीज, हमने सबको कॉन्टेक्ट किया है, लेकिन हमारा अब कोई भी नहीं सुन रहा है। सुन रहे हैं वो, पर वो ये कह रहे हैं कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप संयम रखिए, सड़क बनवा देंगे, 5 दिन रुकिए, 7 दिन रुकिए, जो 25-30 किलोमीटर का स्ट्रेच है आप उतना एयरलिफ्ट करा दीजिए, हम आगे टैक्सीज कर लेंगे, पैदल चल लेंगे, बस स्टैंड तक पहुंच जाएंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, बस जो 25-30 किलोमीटर का स्ट्रेच में जहां पर पुल टूटा है, सड़क टूटी है, वहां पर आप हमें एयरलिफ्ट करा दीजिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच।